बहुत शरारती होता था। बाहर एक आदमी बग को देख लेता है और उसे सेल करने का प्लान बनाता है। बग जब घर में भागता है तो पूरे घर में चीजें हिलने लगती हैं। बग का मालिक जज मिलर की बर्थडे आती है और सब उसकी बर्थडे के इंतजाम कर रहे होते हैं। बग कुक्स को बहुत तंग करता है और वो उसे बाहर निकाल देते हैं। जज मिलर सजा के तौर पे उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तभी वो एक रैबिट देखता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। वहाँ बर्थडे पे सारे मेहमान आ जाते हैं और सारी तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी होती हैं। वो सब तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं और अचानक बग आ जाता है और तस्वीर में चिकन लेग पीस मुंह में डाले बैठ जाता है। जज उसे देखता है और फिर टेबल को। टेबल पे हर चीज खराब हुई होती है और खाना नीचे भी गिरा होता है। जज को बहुत गुस्सा आता है और वो बग को सारी रात के लिए बाहर निकाल देता है। बग की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो झाड़ियों में छुपा होता है। वो उसके पास जाता है और वो आदमी और उसके साथ एक साथ ही बिस्किट एक बॉक्स में डालते हैं। बग वो बिस्किट लेने बॉक्स में जाता है और वो उस बॉक्स का दरवाजा बंद कर देते हैं। बग बॉक्स से बाहर देखता है कि एक आदमी दूसरे को कुछ पैसे दे रहा होता है। बग समझ जाता है कि उसे बेच दिया गया है। फिर वो बॉक्स को घोड़ा गाड़ी में रख देते हैं। बग बहुत कोशिश करता है कि बाहर आ जाए, मगर वो नहीं आ पाता। आखिर उस बॉक्स को ट्रेन में रख दिया जाता है। ट्रेन अपने रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचती है और एक आदमी बहुत बुरे तरीके से बग को बॉक्स से निकालता है। बग बाहर आता है और वो उसको जोर से मारता है। बग गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बग देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डॉग्स हैं। बग को खाना दिया जाता है जो बहुत बुरा होता है। बग भागने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है, मगर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो समुन्द्र के दरमियान में एक शिप पे होता है जहाँ से वो कहीं भी नहीं भाग सकता। शिप अलास्का पहुँच जाती है। वहाँ बग को एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और एक आदमी उसे लेके जा रहा होता है। अचानक उसे स्नो नजर आती है और उसने कभी भी स्नो पे नहीं चला होता। उसे स्नो पे चलने में बहुत मुश्किल होती है, मगर वो फिर भी चलता है। बग स्नो को देखकर बहुत खुश होता है। वो रस्सी से निकल के भाग जाता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जॉन थॉर्नटन होता है जो अपना घर सेल कर रहा होता है। रास्ते में उसकी और बग की टक्कर हो जाती है और जॉन का हारमोनियम गिर जाता है। बग उस हारमोनियम को उठाता है और जॉन को वापस कर देता है। ये उनकी पहली मुलाकात होती है। बग को वहाँ पकड़ लिया जाता है और बाकी डॉग्स के साथ रख दिया जाता है ताकि वो भी सेल हो जाए। बग बाकी डॉग्स से दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर के बाद एक पेरोल्ट नामी आदमी वहाँ आता है और बग को खरीद लेता है, मगर उसकी असिस्टेंट कहती है कि उन्हें दो डॉग्स चाहिए। इस बात पर पेरोल्ट कहता है कि अगर बग को ले लिया तो ये एक ही डॉग काफी है। पेरोल्ट बग को बाकी डॉग्स से मिलवाता है। कोई भी बग के आने से खुश नहीं होता। उस पैक का एक लीडर भी होता है जिसका नाम स्पिट्स होता है। स्पिट्स बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी का होता है। वो किसी से भी बात नहीं करता। पेरोल्ट लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो मैप पे सबको बताता है कि उन्होंने इस जगह पे जाना है। इसके बाद बग गले में एक बेल्ट डालता है और उसे फिर एक बहुत बड़ी बेल्ट से बांध दिया जाता है। अभी तक उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर सब डॉग्स भागना शुरू करते हैं, मगर बग से स्नो पे भागा नहीं जाता क्योंकि वो पहले कभी भी स्नो पे नहीं चला होता, तो इस वजह से उसे कोई प्रैक्टिस नहीं होती। बग फिसल जाता है और स्नो से नीचे गिर जाता है और बाकी सब भी उसके साथ गिर जाते हैं। ये बात पेरोल्ट भी कुछ देर बाद समझ जाता है कि बग को स्नो पे चलना नहीं आता। रात होती है और बग बहुत थक जाता है। फिर ठंड होने की वजह से वो सो नहीं पाता, तो वो टेंट में पेरोल्ट के असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है जो पेरोल्ट के साथ सोई होती है, और खुद पेरोल्ट के साथ सो जाता है। असिस्टेंट उठती है और गुस्से से बग को देख के टेंट से निकाल देती है। वो बग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बग डर के बाहर आ जाता है और उसे सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक वुल्फ नजर आता है, जिसे देख के वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। तभी वहाँ एक और डॉग आता है और बग उसकी तरफ देख
देखता है। जब बग सामने देखता है तो वुल्फ वहाँ से गायब हो जाता है। वो डॉग बग को अपनी जगह दे देता है और खुद किसी और जगह जाके सो जाता है। अब बग को समझ आ जाती है कि वो स्नो पे कैसे सो सकता है। वो स्नो में खड्डा करता है और उसमें सोता है। अगली सुबह भी सबको चिट्ठियाँ पहुँचानी होती है, मगर बग से सही से नहीं चला जाता। वो फिर भी हर एक को चिट्ठी पहुँचा के अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। अब रात हो जाती है और सबको खाना मिलता है। सारे डॉग्स को फिश दी जाती है। तभी स्पिट्स अपने फिश खाने के बाद एक और डॉग की फिश भी खा लेता है और वो डॉग चुप करके बैठ जाता है, क्योंकि स्पिट्स लीडर होता है। बग ये सब देख रहा होता है और अपनी फिश उस डॉग को दे देता है। ये देख के सारे डॉग्स बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। अगली सुबह सारे डॉग्स को रस्सी से एक चितान से नीचे उतारा जाता है। वो सब बहुत प्यासे होते हैं। स्पिट्स एक जगह से पानी पी रहा होता है। बाकी डॉग्स भी बहुत प्यासे होते हैं और एक डॉग स्पिट्स के साथ पानी पीने की कोशिश करता है, मगर स्पिट्स उसे पानी नहीं देता। बग ये सब देख रहा होता है। वो एक और जगह से आइस तोड़ता है और पानी बाहर आ जाता है। सब डॉग्स पानी पीते हैं और खुश हो जाते हैं। स्पिट्स को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो सबको डांट के गुस्से से देखता है। फिर वो अपने रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रॉल्ट की असिस्टेंट आइस पे चल के उसे चेक कर रही होती है। अचानक एक जगह से आइस टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पेरोल्ट और बग ये देख रहे होते हैं। बग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर पेरोल्ट उसे मना कर देता है और खुद उसकी जान बचाने भागता है। मगर बग नहीं रुकता और वो तेजी से भागकर उसे बचा लेता है और खुद पानी में गिर जाता है और बह जाता है। पेरोल्ट बग को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं बचा पाता। पेरोल्ट थोड़ी आगे से बर्फ तोड़ना शुरू करता है और बग का नाम चिल्लाता रहता है। पेरोल्ट को कोई एक लकड़ी देता है और वो बर्फ में उसे मारना शुरू करता है। उसे लगता है कि उसने बग को खो दिया है, मगर जब वो मुड़ता है तो बग उसके पीछे खड़ा होता है और उसने ही उसे वो लकड़ी दी होती है। ये देख पेरोल्ट बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इस सब से पेरोल्ट की असिस्टेंट, जो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, अब उससे बहुत खुश थी और उससे बहुत अच्छे से बात करती थी। वो उसे खाने में भी चिकन लेग पीस दिया करती थी। ये सब स्पिट्स देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अब बग से बहुत जेलस होने लगता है। अचानक उसे एक रैबिट नजर आता है और वो उसके पीछे भागता है। बाकी डॉग्स भी बग के पीछे भागते हैं और बग उसे पकड़ लेता है। फिर बग उसे छोड़ देता है और जाने का कहता है, क्योंकि बग को सिर्फ रैबिट्स के साथ खेलने का शौक होता है। रैबिट बहुत हैरान होता है और भागना शुरू कर देता है। वहीं स्पिट्स भी आ जाता है और वो रैबिट को मार देता है। इसके बाद वो बग पे हमला करता है और वो उसे बहुत मारता है। वो बग को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। बाकी डॉग्स को ये बहुत बुरा लगता है और वो बग को फाइट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्पिट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी डॉग्स पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो डर जाते हैं। वहीं बग को फिर से वो ब्लैक वुल्फ नजर आता है और वो उठ जाता है। वो स्पिट्स पे हमला करता है और उसकी गर्दन से पकड़ के उसे जोर से नीचे मारता है। स्पिट्स ये देख के बहुत डर जाता है और हार स्वीकार करके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पेरोल्ट स्पिट्स को ढूंढता है, मगर वो नहीं आता और बग आगे आ जाता है। वो बग को पीछे भेज देता है और एक पुराने डॉग स्टिलेंसकी को आगे करता है ताकि वो गाड़ी चलाए, मगर वो फिर पीछे चला जाता है और सारे बग को आगे कर देते हैं। ये देख के पेरोल्ट समझ जाता है और बग को लीडर बना देता है। बग अपनी पूरी शक्ति से भागता है। ये देख के पेरोल्ट बहुत खुश हो जाता है, मगर आगे जाके एक जगह पे स्नो स्लाइडिंग हो रही होती है। पेरोल्ट उसे लेफ्ट मुड़ने को कहता है, मगर उसे राइट साइड पे वही ब्लैक वुल्फ नजर आता है और वो राइट मुड़ जाता है और एक गुफा में चला जाता है। पेरोल्ट को बहुत गुस्सा आता है, मगर थोड़ी ही देर बाद सब गुफा से निकल कर एक साफ और अच्छे रास्ते पे आ जाते हैं। ये देख के पेरोल्ट को समझ आ जाती है कि बग बहुत ही समझदार डॉग है और वो बहुत खुश होता है। वो सब टाइम से सब लोगों को चिट्ठियाँ देते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। बग सबको चिट्ठियाँ बढ़ते देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ जॉन भी होता है, जो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा होता है कि उसकी बेटी की बर्थडे आने वाली है, मगर वो
मर चुकी होती है, इसलिए जॉन उस घर को सेल कर देता है। अगली सुबह सब अपनी चिट्ठियां रॉड को देते हैं और वो जाने लगते हैं, मगर पीछे से एक आवाज आती है और बक रुक जाता है। वो आवाज जॉन की होती है। उसे चिट्ठी पहुंचाने में थोड़ी देर हो जाती है। बक उसे देख के पहचान लेता है और उसके हाथ से चिट्ठी लेके रॉड को दे देता है और वो सबको चिट्ठियां पहुंचा देते हैं। जब वो वापस आती हैं तो पेरोल को एक सरकारी चिट्ठी मिली होती है जिस पर लिखा होता है कि अब ये काम बंद करना होगा क्योंकि टेलीग्राम आ गया है और उसके जरिए सबको पैगाम मिला करेगा और सारे डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। ये पढ़ के पेरोल बहुत उदास हो जाता है, मगर वो ऐसा ही करता है। वो सबको छोड़ के वापस चला जाता है। वहीं एक और आदमी हेल उसे खरीद लेता है ताकि वो उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। वो सोने की तलाश में घूम रहा होता है। गाड़ी पे बहुत सामान होता है और बक से वो खींचा नहीं जाता। वो एक बेल्ट से बक को मारने जाता है, मगर तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो हेल को मना करता है कि अभी उस तरफ ना जाए क्योंकि अभी बर्फ पिघल रही है और वो सब मर सकते हैं। हेल उसकी कोई बात नहीं मानता और सब डॉग्स को लेकर आगे चलना शुरू कर देता है। वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। सबका भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल होता है और वजन भी होता है। बक इन सब की वजह से बेहोश हो जाता है। वहाँ जॉन को बक की बहुत चिंता होती है और वो अपना सामान लेके उसके पीछे चला जाता है। वहाँ हेल बक को गन निकाल कर गोली मारने लगता है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उसे रोक लेता है और उन्हें फिर आगे जाने से मना कर देता है, मगर हेल सोने के पीछे बिल्कुल पागल होता है और जॉन की बात नहीं सुनता और फिर से आगे बढ़ जाता है। जॉन बक को बाकी पैक से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो बक का बहुत ख्याल रखता है और बक को दो दिन बाद होश आता है। जब बक उठता है तो जॉन बाहर बैठा होता है। वो बक को बताता है कि उसके सारे दोस्त मर गए हैं और वो अकेला ही बच गया है और अब वो जहाँ चाहेगा जा सकता है। जॉन और बक अब साथ ही होते हैं। रात को जॉन एक बार जाता है और वाइन लेता है और घर आके पीने लगता है। बक उसे मना करता है मगर वो नहीं होता। बक उसके ग्लास नीचे फेंक देता है और उसकी वाइन की बोतल को बाहर जाके बर्फ में दबा देता है और खुद उस पे बैठ जाता है। जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो बक को पीछे कर दे, मगर वो नहीं होता और वो बहुत थक जाता है। फिर वो बक के साथ ही बैठ जाता है। अगले दिन जॉन बक को एक मैप दिखाता है और कहता है कि सब ने युकान इस रास्ते से जाना होता है, मगर जॉन और बक दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। वो एक कश्ती में होते हैं और कश्ती अपने रास्तों से होते हुए जंगल पहुंच जाती है जहां वो कैंप लगा के आराम करते हैं। बक जॉन से दोस्ती करने का कहता है और वो मान जाता है। फिर दोनों टेंट में जाके सो जाते हैं। अगले दिन बक और जॉन दोनों कश्ती के रास्ते में नदी से गुजरते हैं। पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है। बक बहुत एंजॉय करता है, मगर कश्ती में होल्स बन जाते हैं और उन्हें वो छोड़नी पड़ती है। फिर वो दोनों जंगल से होते हुए युकान पहुंच जाते हैं। वो एक घर में रुकते हैं और वहां का सारा बेकार सामान बाहर फेंक देते हैं। रात को बहुत सारे वुल्फ्स की आवाजें आती हैं, मगर जॉन बक को कहता है कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं। वहां हेल जो पहले भी जॉन से लड़ चुका होता है वो जॉन के घर आता है और उससे वहां मैप मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि ये कहां गए हैं। वो उनके पीछे जाता है। वहां जॉन एक दिन नहा रहा होता है और उसे नदी से सोने के टुकड़े मिलते हैं। वो और बक वो टुकड़े इकट्ठे करते हैं। तभी जॉन और बक एक व्हाइट वुल्फ को देखते हैं और बक उसका पीछा करता है। रास्ते में उसे एक बेयर मिलता है और वो डर के भाग जाता है। व्हाइट वुल्फ भी बक से दोस्ती करने से मना कर देती है। एक दिन बक एक चितान पे बैठा व्हाइट वुल्फ और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए देख रहा होता है। वो देखता है कि एक वुल्फ पानी में गिर जाता है और पानी उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो नाकाम हो जाते हैं। बक वहां भागता हुआ आता है और पानी में उतर के उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो पेड़ की उस टहनी को ही उठा लेता है जिस पे वो वुल्फ होता है। ऐसे वो उसे बचा लेता है। सब बहुत खुश होते हैं और उसे दोस्त बना लेते हैं। अब बक ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है। जॉन
जॉन खुद को अकेला महसूस करने लगता है और फिर वाइन पीने लगता है, मगर बक उसे रोक देता है और उसके पास लेट जाता है। अगले दिन व्हाइट वुल्फ बक को लेने आते हैं और जॉन के कहने पे बक चला जाता है। वो देखता है कि बक को उसकी फैमिली मिल गई है और उसे अपनी फैमिली भी याद आने लगती है। वो कुछ सोने के पत्थर रखता है और बाकी नदी में फेंक देता है। वो बक को समझाता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे। जॉन भी वापस जाने की तैयारी करता है। अचानक